किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महला आप सभी किसान साथियों का महला ऑर्गेनिक फार्मर चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बिलोंग करता हूं, हरियाणा से, और हम हर रोज़ कुछ ना कुछ किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। आज जो स्थिति हमारे बीच में है उस पर कुछ प्रकाश मैं डालना चाहूँगा, जो हमारे किसानों की सबसे महत्वपूर्ण फसल भी हम उसको कह सकते हैं, सबसे आमदनी की बड़ी फसल भी हम रबी के अंदर उसका नाम ले सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसान साथी नए हमारे बीच में जुड़ के आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबा के आल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है या फार्मर के द्वारा दी गई जानकारी के वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो ग्रुपों में या अपने फार्मर के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं उनके बीच में शेयर करने का काम करें। ये वीडियो केवल जैविक खेती से आधारित नहीं होते हैं, ये बल्कि ज्ञानवर्धक भी होते हैं, क्योंकि हम रासायनिक को छोड़ने पर मजबूर होते हैं इन वीडियो को देख के कि जैविक में हमें इतना मुनाफा मिल रहा है, जैविक में हमें इतना फायदा मिल रहा है। वो सारी जानकारी हमारे इन वीडियो में उपलब्ध होती है, जिसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता। और मैं बार बार कहता हूं किसान साथियों से कि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं उनको देखने का काम आप करें, ताकि आपको जानकारी मिल सके। आपको व्हाट्सएप मैसेज तो दूर की बात है, फोन कॉल करने की भी आवश्यकता ना पड़े। और एक मैं आपसे विशेष तौर पर एक निवेदन और भी करना चाहूंगा कि हमारे पास फोन कॉल की बजाय आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फोन कॉल का रिप्लाई देने में हम असमर्थ हैं। इतने फोन कॉल आते हैं जिनको सभी को अटेंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद नीचे कमेंट करते हैं फार्मर की, फोन उठाते नहीं है, नंबर दे देते हैं। हम नंबर केवल टू केवल व्हाट्सएप मैसेज के लिए नंबर देते हैं, ना कि फोन कॉल के लिए नंबर देते हैं। अब सारे कार्य हमारे भी, हम भी किसान हैं, दिन में काम करते हैं, शाम को व्हाट्सएप की रिप्लाई करते हैं या सुबह टाइम मिलता है सुबह करते हैं, लेकिन उस समय आपके कॉल जब आते हैं तो ना तो हम व्हाट्सएप की रिप्लाई दे पाते हैं और ना हमारा कोई महत्वपूर्ण कार्य है वो हम पूरा कर पाते हैं समय पर। तो मेरी आपसे हार्दिक अभिनंदन है कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी लें तो व्हाट्सएप मैसेज करें, ना कि फोन कॉल आप करें। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आप पिछले 10 से 15 दिन से देख रहे हैं कि सरसों की फसल के अंदर एक सबसे बड़ा भयंकर रोग जो अब के समय में लगा हुआ है, एक तो फंगस की समस्या सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, एक सफेद रतुआ जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, यानी पौधे की 80% 70% फसल को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, एक हरे तेले का प्रकोप आ चुका है, जहां पौधे की बढ़वार होनी चाहिए, नई जो उसकी शाखाएं होती है वहां पर तेले का प्रकोप होता है और वो बढ़वार जो है वहीं रुक जाती है। चौथी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, मरगोजा जो उसकी सरसों की जड़ों में उगने का काम करता है, उससे भी 90% तक फसल बर्बाद हो रही है। और हमारे हरियाणा के कुछ किसान, जिनके हमने कुछ वीडियो भी देखे हैं, कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि सरसों के खेत को, जितनी भी सरसों उन्होंने लगा रखी थी, पूरी को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, हैरो के माध्यम से उसको उखाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादन ना के बराबर रह गया है। अब मैंने जब सरसों का वीडियो आप लोगों के बीच में, मेरी सरसों का वीडियो मैं बनाऊं भी गा, दो वीडियो मैं बना चुका हूं, तीसरा वीडियो और मैं आप लोगों के बीच में बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज थोड़ा सा टाइम इतना था कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे पाऊं कि सफेद रतुआ, तेला और फंगस की जो समस्या पौधे में है उसके लिए सबसे आसान और सबसे सुलभ जो तरीका हमारे पास है वो है NWDC कवच।
जिसका उपयोग हम सरसों में कर चुके हैं। आज मेरी सरसों के अंदर ना तो सफेद रतुआ है, ना कोई किसी तरह की फंगस है, ना तिल है, जिसका प्रकोप इस मौसम में होना लाजमी है। और वेस्ट डिकम्पोजर अगर पानी के साथ में हम चला रहे हैं, क्योंकि मरगोजे का सबसे ज्यादा जब उठाव होता है, सबसे ज्यादा जब उसका प्रकोप होता है, तो नमी की मात्रा जो घट जाती है, उस वजह से जल्दी उसमें विकास होता है। तो नमी बरकरार रखने के लिए क्या हमें करना चाहिए, वो आप अच्छी भली बात ही जानते हैं। अगर तरल वेस्ट डिकम्पोजर या OWDC का उपयोग लगातार पानी में आप करोगे, लगातार आप देने का काम करोगे, तो आपकी जमीन में नमी बनी रहेगी। और उसके साथ साथ जब भी कोई क्रॉप्स में नमी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां पर आप जो है सबसे आसान और सबसे सुलभ जो तरीका मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम किया था, जो पानी को शोषण करने की अक्षमता रखता है गोंद कतीरा, वो खेत में डालने का आप प्रयास करें। उससे क्या होगा, 3 साल तक आपके खेत में उचित मात्रा में नमी बनी रहेगी। 3 साल के बाद फिर दोबारा आप डाल दीजिए, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। अब मरगोजा के लिए तरह तरह की दवा जो बाजार से लेके फार्मर खेत में डालने का काम कर रहा है, उससे फसल प्रभावित हो रही है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मैं मेरी सरसों का वीडियो कल या परसों में डालूंगा, उसमें आप देखना कि कहीं भी कोई भी हरा तेला नहीं है, कोई भी सफेद रतुआ नहीं है। जो सफेद रतुआ किसको बोलते हैं, जो सरसों की जो पूरी जो शाखा है वो बीज से सफेद होना और बीज से खत्म हो जाना, फंगस की समस्या, फंगस की वजह से पौधा खत्म होना, नीचे जड़ में फंगस लगने की वजह से पूरा बना बनाया पौधा, यानी फलों से भरा हुआ पौधा, जो अनाज से भरा हुआ पौधा, वो खत्म होने का काम हो रहा है। उसको रोकने के लिए हमने पहले ही हमारा प्रबंध कर लिया, नहीं हमने उस समय देखा था कि हरे तेले का प्रकोप कुछ मात्रा में होना स्टार्ट हो गया था, उसी समय एक कवच का छिड़काव हमने करवाया था और उसका बेनिफिट आज तक हमें मिल रहा है। तो काफी लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं या काफी लोग जो रासायनिक खेती करते हैं, वो भी कवच का उपयोग कर सकते हैं, रासायनिक को एक साइड में रख के आप कवच का उपयोग कीजिए, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और प्रैक्टिकली वीडियो मैं आपको परसों दिखाता हूं मेरे सरसों का, फिर आप अच्छी तरह जान भी पाएंगे, क्योंकि कवच एक ऐसा माध्यम है हमारे बीच में, कवच एक ऐसा उत्पाद हमें माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने देने का काम किया है, जो पौधे की 20 से 25 दिन तक सुरक्षा रखती है, किसी भी रोग को आने नहीं देता है, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उसकी मात्र सुगंध से वो बीमारी चली जाती है। ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हमें कवच के माध्यम से मिले हैं। अब एक निवेदन और भी मैं आपको करना चाहूंगा कि गाढ़ा गौमूत्र की तरह कवच के साथ में कोई भी पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है आपको, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। केवल कवच का, चूने के घोल का उपयोग करके आप छिड़काव करवाइए, अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर ज्यादा जरूरी है, अगर उसमें आप समझते हो, तो आधा यानी 50% गाढ़ा गोमूत्र और 50% कवच और कुछ मात्रा में चुनने का घोल के साथ उसका फोलियर स्प्रे आप करवाइए, ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। मात्र थोड़ा सा खर्चा, यानी प्रति एकड़ अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए का खर्चा भी नहीं है। अब वहां पर आपकी हालात ऐसी हो रही है कि पूरी फसल बर्बाद होने के कगार पर है, पिछले 10 से 15 दिन से कार्रवाई चलती आ रही है, और काफी किसान साथी ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, जो जिनको ये समस्या आ चुकी है। तो साथियों, परसों मैं मेरी सरसों का लाइव वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, और तब तक आज बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि आप जल्दी, अगर आपका घोल बना हुआ है तो जल्दी उसका उपयोग आप कर लीजिए, अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो साथी वेजिटेबल लगाना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, वो तो इसका स्टोरेज रखे कवच का, क्योंकि वेजिटेबल में उनको ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और आने वाले समय में परसों ही मैं आपको उसका लाइव वीडियो सरसों का दिखाऊंगा, उससे आप सारी अच्छी भली भांति जान भी पाएंगे। और दूसरा निवेदन मेरा आपसे ये है कि जो भी इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या अगर आपको नजर आती है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अपनी समस्या का समाधान करें। और जिन साथियों को कवच, गाढ़ा गोमूत्र और तरल वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जाके संपर्क कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना वीडियो को आप लाइव करें, शेयर करें, और अधिक साथियों के बीच में इसको शेयर करने का काम करें, ताकि किसी भी तरह की समस्या का सामना आपको साथियों ना करना पड़े। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।